सारे डिमांड तो जो डिस्कस हुआ किसी को पता नहीं, कैबिनेट तो बहुत सीक्रेट होता है ना, तो उसमें जो आज का प्रोटेस्ट था उसका डिमांड था कि जो सेरेमनी है उसको पोस्टपोन किया जाए, तो कैबिनेट ने उसको कंसिडर करते हुए उस डिमांड को माना है और जो आज का सेरेमनी है उसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, डेफर भी कर दिया गया है, जो भी टेक्निकल वर्ड है उसका। और उसमें जितने भी हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ बात करके कि क्या बेटर डिसीजन हो सकता है, सो दैट कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे लोग हैं, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो, उसके बारे में। सर, दे आर नॉट मूविंग बैक बिकॉज अभी IGP सर ने आके बोला तो है कैबिनेट का जो डिसीजन है कि कॉल ऑफ कर दिया गया है जो टेकिंग सेरेमनी का, बट दे हैवंट डिस्कस अबाउट दैट 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स दैट दे हैव प्लेस्ड द एस्पिरेंट्स। सारी चीजें आज ही डिस्कस हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, नोबडी हैज रिप्रेजेंटेटिव देम फॉर्मली ना, हम लोग इतना दिन से कल रात से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को अक्रॉस द टेबल भेज दीजिए, नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड के किससे बात करेंगे, तो जो AITF है उसने रिस्पॉन्स किया। सर, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द केओस दैट बीन टेकिंग प्लेस, कल किसी को कुछ चोट आ जाएगा एंड ऑल, हु विल बी द रिस्पांसिबल फॉर दैट? रिस्पांसिबिलिटी तो सबका है, सरकार का ज्यादा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका रिस्पांसिबिलिटी, जो उनको लीड कर रहे हैं उनका रिस्पांसिबिलिटी भी है, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी सबका है, सरकार का भी है, सिटीजन का भी है, जो लॉ एंड ऑर्डर कायदे कानून बने हैं 144 कल रात से यहाँ एग्जीक्यूट किया गया है, तो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फॉलो करे, चार से ज्यादा लोगों का जगह आना मना है तो उसका वायलेशन चल रहा है, अभी किसी ने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन विदाउट परमिशन उड़ाना मना है, उसका वायलेशन हुआ, और जो अरुणाचल का UAPA है उसका वायलेशन हो रहा है। सर, जो आप जो आपने अभी रिप्रेजेंटेटिव का बात किया है सर, अभी ये जो कॉल ऑफ ऑर है किसी यूनियन का नहीं है, ये लोग जो डायरेक्ट एस्पिरेंट पब्लिक लोग कर रहा है, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव आने का बात ही नहीं होता है, उन्होंने कहा जो भी होगा बिल तरी सामने बोलना चाहिए, बोल हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव सो मच, सो अभी तक क्यों डिसीजन नहीं लेता? उन लोगों का ये है कि सेरेमनी को कॉल ऑफ करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट शुड हैव बीन कैंसल्ड, दैट वाज देयर डिमांड, अगर उनको कुछ और सॉल्यूशन चाहिए था तो उनको वो डिमांड प्लेस करना पड़ेगा ना, दे कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग द बोर्ड, दे हैव गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यू शुड आल्सो पास दिस मैसेज टू द हेड ना, इट इज अ मैसेज ऑफ योर्स और पीपल का मैसेज है, मीडिया का मैसेज है, गवर्नमेंट जो आपका बात है उसको भी सुन रहा होगा, समबडी वुड बी वॉचिंग, जो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हम लोग भी उनको फॉर्मली बता देंगे, लेकिन जितना भी रिप्रेजेंटेशन होता है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना पड़ेगा, सो दैट कि एक कूल एनवायरनमेंट में बात कर पाए सिस्टम से। सर, अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव वो लोग कर रहा था तब भी 6 महीना से कुछ सोल्यूशन नहीं है, इसलिए पब्लिक लोग आज यहाँ में गैदर हुआ है सर, तो बात वही है, रिप्रेजेंटेटिव शुरू में था लेकिन अभी इतना 6 महीना रुकने का बाद दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए ये चीज। एक्सक्यूज मी, दिस इज UPI, यू हैव स्टेटेड वेरी रॉन्ग दैट कि आपका मैसेज है ना पब्लिक, वी बीइंग द मीडिया मीडिएटर फॉर पीपल टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वी आर द मीडिएटर, यहाँ कोई पब्लिक आके आपको इंटरव्यू नहीं ले सकता, बट वी आर द मीडिएटर, दैट्स व्हाई वी आर हियर, यू हैव स्टेटेड वेरी रॉन्गली, अडिंग टू दैट दिस इज अ पब्लिक मूवमेंट नॉट एनी इंडिविजुअल्स मूवमेंट। सर, आपकी तरफ से कुछ भी कन्वे नहीं किया गया है सरकार को, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हुए सर, आप इस जगह कम्युनिकेट करने के लिए आजकल सब जगह पहुंचना जरूरी नहीं है ना, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, मीडिया है, बात हुआ है सर, बात हुआ उसी की वजह से तो स्पेशल कैबिनेट कॉल किया ना, कैबिनेट स्पेशल कैबिनेट वाज नॉट प्री डिसाइडेड, कल तो रात को डिसाइड नहीं किया था, इट वाज डिसाइडेड इन द मॉर्निंग, तो उसके बाद जो लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट है उसको देखते हुए कि लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाए, लोगों को नुकसान कम से कम हो उसका ध्यान रखते हुए स्पेशल कैबिनेट कॉल किया गया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो वर्चुअल भी था, मतलब लोगों ने जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वर्चुअली भी उसको अटेंड किया है, तो उसके बाद वो डिसीजन निकला है, और डिसीजन जैसा लोगों का डिमांड था कि उसको पेपर में देखना है तो पेपर में भी वो लेकर आए हैं, अब मेरा लोगों से तो आपके मीडियम के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और जो लाइफ है उसको नॉर्मलसी की तरह वापस हम लोग लेके चले तो अच्छा होगा। दिस इज यू आर वेरी काम एंड पॉइज राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, सीम्स लाइक यू हैव मोर इंटरनल इनसाइट टू दिस अबाउट इट, कैन यू प्लीज फॉरे व्हाट इज द इंटरनल इनसाइट अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, दिस इज द इशू कॉज फॉर द चेंज? देखिए, आई एम वेरी ऑनेस्ट, उसके लिए वजह से मे बी आई एम लुकिंग मोर काम एंड कंपोज, बट बिकॉज आई एम थिंकिंग सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल होते हैं, आई एम नॉट एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। हाउ लॉन्ग यू विल बी थिंकिंग? I'm expecting, I'm thinking since morning कि situation normal हो जाए, last night मैंने order sign किया तब से I'm thinking कि situation normal हो जाए, nobody should violate any order of the government. Every time sir, the public has to come forward with this thing. Only when such violence occurs, the government takes such actions. Why do the government has to wait for the protest or some violence to occur? Only then they take the actions. ऐसा नहीं है, आई वांट नॉट से कि ऐसा है, गवर्नमेंट अपना काम करता रहता है और कभी कभी लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर थोड़ा रकस क्रिएट हो गया।